1560 में राजा कल्याण चंद इस इलाके में शिकार खेलने आए। उन्हें एक खरगोश दिखा जो इस पर्वत की भूमि में एक बाघ में बदल गया। राजा के ज्योतिषियों ने कहा कि यह भूमि सिंह के समान है, यहाँ नगर और राजधानी बसने से शत्रु ऐसे भयभीत रहेंगे जैसे लोग बाघ से। राजा महाराजाओं के राज तो अगले 300 सालों में ही निपट गए, पर नगर अब भी है, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा आबाद। नगर में आपका स्वागत है, अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड और कंसीक्वेंटली भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक, इस नगर ने अपने 450 साल के इतिहास में कई राजाओं के शासन देखे, कई आक्रमण सहे, संस्कृति और कला को सहेज कर रखा और अपनी एक खास पहचान बनाई। अल्मोड़ा शहर बसने का असल कारण किसी खरगोश का बाघ में बदलना शायद ना हो, वास्तव में इसे चंद राज्य के मध्य में होने की वजह से बसाया गया। इस वीडियो में इतिहास का अपना एक काफी बड़ा सेक्शन है, पर शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी और जियोग्राफी से। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के लगभग बीच में एक पर्वत की पीठ पर बसा हुआ है। ये पर्वत नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की दिशा में फैला है और अल्मोड़ा की सी लेवल से ऊंचाई 1642 मीटर है। पर्वत के दोनों तरफ दो नदियां बहती हैं, पूर्व में शालमली और पश्चिम में कौशिकी, सोयाल और कोसी एज वी नो देम टुडे। अल्मोड़ा लगभग हर दिशा से सड़कों से कुमाऊं के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। उत्तर में बागेश्वर है, पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत हैं, दक्षिण में नैनीताल और हल्द्वानी और पश्चिम में रानीखेत और द्वाराहाट हैं। अल्मोड़ा शहर एक नगर पालिका है। 1864 में इसका गठन अंग्रेजी सरकार ने किया था। पहाड़ की पीठ पर होने की वजह से नगर के दो नेचुरल डिविजन्स हैं, पूर्वी क्षेत्र तेलीफाट और पश्चिमी क्षेत्र सेलीफाट कहा जाता है। जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ एक 2 किलोमीटर लंबी बाजार है। यही 3 या 4 शताब्दी पुरानी बाजार ही अल्मोड़ा का केंद्र है। ये बाजार पत्थरों से पटी हुई है और मुख्यतः पेडेस्ट्रियन है। थोड़ा पश्चिम में इस बाजार के पैरेलल चलती हुई एक मोटरेबल रोड है, जिसका नाम लगभग हर पहाड़ी शहर में पाई जाने वाली मेन रोड की तरह ही है, मॉल रोड। इसके चारों ओर है अल्मोड़ा का रिंग रोड सिस्टम। अब तो इन सड़कों पर खुद कई बाजारें जम चुकी हैं, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल और एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी है। शहर के अंदर और बाहर कई प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्मारक और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिन पर आगे थोड़ी डिटेल में चर्चा होगी। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं इतिहास की ओर। रानीखेत, मसूरी, शिमला और नैनीताल की तरह अल्मोड़ा को अंग्रेजों ने नहीं बसाया, ये शहर उनके आने से काफी पहले से यहाँ पर था। अल्मोड़ा और उसके आसपास के इलाकों में लोग काफी पहले से रहते आ रहे हैं, और काफी पहले से मेरा मतलब है पाषाण काल से। अल्मोड़ा के उत्तर पूर्व में है लखोडियार, हिंदी अनुवाद 1 लाख गुफाएं। सोयाल नदी के किनारे इस विशाल रॉक शेल्टर की दीवारों में हजारों साल पुराने चित्र हैं, जिससे पता चलता है कि स्टोन एजेस में 20 से 30 हजार साल पहले भी यहाँ किसी प्रकार के कोई लोग तो रहते थे। खैर, प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़े, काफी आगे बढ़े, सीधे 15वीं सदी में, तो अल्मोड़ा का वो समय शुरू होता है जो काफी मायनों में आज भी चल रहा है। 15वीं शताब्दी के अंत में उत्तराखंड और आसपास का नक्शा कुछ ऐसा था। पश्चिम में गढ़वाल पर पवार वंश का शासन था, पूर्व में डोटी का राज्य था और कुमाऊं में बहुत सारे छोटे छोटे राजा इधर उधर राज कर रहे थे। इनमें से एक काली कुमाऊं के चंदों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक एक कर ये सभी क्षेत्रों को अपने में मिलाने लगे, कभी लिखा पढ़ी करके और कभी बल का प्रयोग करके। फिर जब बार बार सरहदों पर टकराव होते रहे, जगह जगह विद्रोह होने लगे, तो चंद राजा भीष्म चंद को रियलाइज हुआ राजधानी चंपावत तो एक कोने में हो गई है, इसीलिए इन्होंने बारामंडल के एक किले खगमरा कोट के पास नई राजधानी बसाने की सोची। पर इससे पहले कुछ हो पाता, एक खस सरदार ने भीष्म चंद को एक रात इसी किले में मार डाला। भीष्म चंद की हत्या के बाद बालो कल्याण चंद राजा बना और मर्डर का बदला लेने के बाद पिता की इच्छा पर काम शुरू हुआ। नई राजधानी अच्छी खासी हाइट पर थी, आसपास पानी भी बहुत था, लकड़ी के लिए देवदार के जंगल भी बहुत थे और आसपास चिनाई के लायक अच्छा पत्थर भी निकलता था। नाम शुरू में तो आलमनगर रखा गया, पर आसपास एक खास प्रकार की घास पाई जाती थी जो कटारमल मंदिर के बर्तन साफ करने के प्रयोग में लाई जाती थी। इस घास का नाम था भिलमोड़ा या अल्मोड़ा, और इसी वजह से इलाके का नाम अल्मोड़ा ही चल पड़ा। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में पहला किला और महल बनवाया, जिसका नाम पड़ा लाल मंडी। आज किला तो नहीं रहा, उसकी जगह सेना की छावनी है। इसके बाद अगले 200 साल तक अल्मोड़ा शहर और चंद राज्य दोनों का एक्सपेंशन होता रहा।
राजा रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के केंद्र में एक दूसरा महल बनवाया जो मल्ला महल के नाम से जाना गया। यहाँ काफी समय तक डीएम का कार्यालय और कचहरी चलती रही, पर अब इसे म्यूजियम बनाया जा रहा है। रुद्रचंद ने कुमाऊं के बाकी इलाकों को भी जीत लिया और तराई में रुद्रपुर बसाया, जो आज उत्तराखंड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक है। राजा लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर बनवाया और कत्यूर में सरयू गोमती के किनारे बागनाथ को उसका आज का स्वरूप दिया। राजा बाज बहादुर चंद ने तो सीमाओं के बाहर जाकर तिब्बत के तकलखाल किले और गढ़वाल के बधानगढ़ी पर भी कब्जा कर लिया। बधान से ये नंदा देवी की प्रतिमा को अल्मोड़ा में ले आए और मल्ला महल में स्थापित करवाया। यहीं से कुमाऊं में नंदा देवी की पूजा शुरू हुई। राजा उद्योग चंद के समय गढ़वाल और डोटी ने एक साथ कुमाऊं पर हमला कर दिया। 2 साल तक जगह जगह लड़ने के बाद न केवल कुमाऊं डिफेंस में सक्सेसफुल रहा बल्कि डोटी को उसके बॉर्डर्स तक दौड़ाया। इन जीतों की खुशी में अल्मोड़ा में त्रिपुर सुंदरी, उद्योग चंदेश्वर और पार्वतीश्वर मंदिर बनवाए गए। उद्योग चंद ने ही अल्मोड़ा में तल्ला महल बनवाया, जहां अब रैमजे स्कूल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। राजा जगत चंद ने तो गढ़वाल को हराकर उनकी राजधानी श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। ये चंदवंश की पराकाष्ठा थी। 1720 में चंदों से ज्यादा शक्तिशाली और अमीर राजवंश शायद पूरे हिमालय में कोई नहीं होगा। पर फिर राज्य का पतन होना शुरू हो गया, गदर होने लगे। उन्हें दबाने के लिए राजाओं ने टॉर्चर के जो लेवल्स टच किए उनका डिस्क्रिप्शन देना शायद यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ जाए। और फिर 1744 में दक्षिण से रोहिला अफगानों ने अल्मोड़ा पर हमला बोल दिया। रोहिलों ने अल्मोड़ा में करोड़ों की लूट मचाई, मंदिर मूर्तियां तोड़ डाले, घरों में आग लगा दी। 7 महीने बाद आखिरकार 3 लाख रुपए नकद लेकर और ठंड से परेशान होकर वो वापस गए। अगले साल रोहिले फिर लौटे, पर इस बार चंदों के एक मंत्री शिवदेव जोशी के कमांड में कुमाऊं ने रोहिलों को भाबर पर ही रोक दिया। 1761 में पानीपत की जंग हुई। मुगलों के साथ पुराने रिश्ते और कभी कभी डिपेंडेंसी होने की वजह से कुमाऊं से भी 4000 सैनिक इस जंग में मराठों के खिलाफ लड़े। इसके बाद राज परिवार और जोशियों में पावर के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया। राजा मोहनचंद ने एक बार शिवदेव जोशी के बेटे हर्षदेव जोशी को अल्मोड़ा में कैद कर लिया और बाकी जोशियों को मरवा डाला। तो हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के साथ कॉन्स्पिरेसी कर कुमाऊं गढ़वाल में युद्ध करवा दिया। बगवाली पोखर में लड़ाई हुई और कुमाऊं की बुरी हार हुई। अल्मोड़ा में पहली बार गढ़वाल का कब्जा हुआ और उन्हीं का एक कुंवर प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। भगाया हुआ मोहनचंद इस बीच इलाहाबाद के पास से 1400 नागा साधुओं को धन दौलत का लालच देकर अल्मोड़ा पर कब्जा करने ले आया, परंतु लड़ाई होने पर 700 नागा साधु वहीं मारे गए और बाकी के भाग गए। अल्मोड़ा पर गढ़वाल का ही राजकुमार बैठा था, पर श्रीनगर में उसके बड़े भाई जयकीर्ति शाह को लगने लगा कि अल्मोड़ा उसके अधीन होना चाहिए। प्रद्युम्न चंद ने मना कर दिया तो फिर दोनों में लड़ाई हो गई। इस बार गढ़वाल की हार हुई और जयकीर्ति शाह मारा गया। कुमाऊनी सेना हर्षदेव जोशी के कमांड में जबरदस्त लूटपाट मचाते हुए श्रीनगर तक पहुंच गई। इस लूट को गढ़वाल में जोशियाना कहा जाता है। प्रद्युम्न चंद वापस गढ़वाल चला गया और कुमाऊं पर हर्षदेव जोशी का अधिकार हो गया, जो ज्यादा समय ना चला। उन्हें फिर भगा दिया गया और गद्दी पर मोहनचंद का बेटा महेंद्र चंद बैठा। पर केवल 2 साल बाद ही 1790 में पूर्व से गोरखों ने कुमाऊं पर हमला कर दिया। कुमाऊं पिछले 10-20 सालों से सिविल वॉर की स्थिति में था और वैसे भी गोरखा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। और गैस कीजिए, उनको रास्ता दिखाते हुए, उनकी मदद करते हुए गोरखों को अल्मोड़ा तक कौन लाया? अल्मोड़ा पर कब्जा होते ही कुमाऊं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली गोरखों के कब्जे में आ गया। हर्षदेव जोशी को उम्मीद थी कि उन्हें कुमाऊं का गवर्नर बनाया जाएगा, पर गोरखों ने उन्हें कैद कर लिया, जहां से वो फिर भाग गए। 1804 में गढ़वाल और गोरखों के बीच खुड़बुड़ा की जंग हुई, जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए और पूरा गढ़वाल गोरखों के हाथ में आ गया। गोरखों का राज उत्तराखंड के इतिहास में सबसे क्रूर माना जाता है। लोगों को दास दासियों की तरह बेचा जाता था, टैक्सेशन बेहिसाब था, न्याय के तरीके अजीब से थे। गोरखा लड़ना बहुत खूब जानते थे, पर जीते हुए इलाकों पर उन्होंने कभी ढंग से शासन नहीं किया। फ्रंटियर स्टेट्स को केवल लूटपाट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता रहा। 1812-13 के आसपास गोरखा दक्षिण में अंग्रेजों से टकराव में आ गए थे। अंग्रेजों को भी कुमाऊं गढ़वाल के टेरेन, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आदि की काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से कोई पत्र लिख रहा था और बाकी मदद दे रहा था। गैस कीजिए कौन? 1814 में विकट लड़ाई के बाद देहरादून अंग्रेजों के हाथ में आ गया। कुमाऊं में भी काशीपुर और काली कुमाऊं से अंग्रेज आगे बढ़े। काशीपुर वाला फ्रंट तो गोरखों को खदेड़ते हुए अल्मोड़ा के पास कटारमल पहुंच गया और गोरखों ने अल्मोड़ा की किलेबंदी कर दी। काली कुमाऊं में अंग्रेजों की जबरदस्त हार हुई और उनका कैप्टन गोरखों के कब्जे में आ गया।
गोरखा अपने कमांडर हस्ती दल शाह के साथ अल्मोड़ा आ गए, लेकिन गोरखों के पास अब जरूरी चीजों की कमी होनी शुरू हो गई थी। इसके ऊपर गणनाथ मंदिर के पास एक छोटी लड़ाई में हस्ती दल शाह भी मारा गया। 25 अप्रैल 1815 में अंग्रेज अल्मोड़ा पर चढ़ आए। गोरखों और अंग्रेजों में दिन रात जबरदस्त लड़ाई हुई, पर अगली सुबह अंग्रेजों ने गोरखों को लाल मंडी किले तक सिमटा दिया और किले की दीवारों पर 60 मीटर दूर से तोपे चलने लगी। गोरखों ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया और अल्मोड़ा के गिरते ही पश्चिम में पूरा जीता हुआ इलाका गोरखों को खाली करना पड़ा। 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिसमें नेपाल के आज के बॉर्डर्स डिफाइन हुए एंड ब्रिटिश बीइंग ब्रिटिश, एक फ्यूचर बॉर्डर डिस्प्यूट भी गिफ्ट में आ गया। गढ़वाल के राजा ने तो अंग्रेजों के साथ पहले ही संधि की हुई थी, अलकनंदा के पार का इलाका अंग्रेजों का हो गया और गढ़वाल की नई राजधानी टिहरी हो गई। कुमाऊं को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा लिया और चंदवंश की सत्ता आखिरकार समाप्त हो ही गई। हर्षदेव जोशी भी कभी गढ़वालियों, कभी गोरखों और कभी अंग्रेजों को अल्मोड़ा लाते लाते 1816 में मर ही गए। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को उसका आज का स्वरूप देना शुरू कर दिया। पुराने टूटे फूटे महलों की जगह कहीं विद्यालय तो कहीं कचहरी बनाई गई। अपने लिए अंग्रेजों ने जगह जगह बंगले बनवाए। लाल मंडी के किले के पास, जिसका नाम अब फोर्ट मोयरा था, पलटन बैठाई गई, जिसमें काफी समय आयरोनिकली गोरखा रेजिमेंट ही रखी गई। अल्मोड़ा को काफी समय कुमाऊं के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में कमिश्नर नैनीताल बैठने लगे। अंग्रेजों ने ही मल्ला महल से नंदा देवी की प्रतिमा को उठाकर पार्वतीश्वर मंदिर में शिफ्ट करवाया और वो ही आज का नंदा देवी मंदिर है। 1947 में भारत आजाद हुआ और कुमाऊं गढ़वाल दोनों उत्तर प्रदेश में आ गए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया और आज हम यहाँ हैं। अल्मोड़ा आज भले ही सत्ता का उतना बड़ा केंद्र नहीं है जितना वो कभी रहा करता था, पर आज भी इसकी स्थिति और इसका इतिहास अल्मोड़ा को कुमाऊं का सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। तो ये तो थी अल्मोड़ा की कथा, उससे जुड़ी हुई कुमाऊं की कथा। आपसे मिलूंगा अगली बार कुछ और लेकर। धन्यवाद।